विराट कोहली के करियर को खत्म करने की हो रही है साजिश। पत्नी अनुष्का के बर्थडे पर लड़ने के लिए कोहली को किसने भड़काया? पत्नी की आंखों के सामने किया विराट कोहली को शर्मसार, इज्जत पर दाग लगाया, कोहली पर करोड़ों का जुर्माना ठुकवाया। धोनी से दोस्ती करने का अंजाम इस कदर महंगा पड़ जाएगा, कोहली ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैदान पर इतना बुरा वक्त आएगा। आंखें दिखाई, गाली दी, हाथ दिखाया, इशारा किया और दिमाग ने खेलने की कोशिश की। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो महाभारत में चौसर खेल में मामा शकुनी किया करते थे तो आप सही हैं, लेकिन नवाबों के शहर लखनऊ में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। सीधे अल्फाजों में कहें तो मैदान पर महाभारत और 22 गज की पट्टी बनी चौसर। इसका खामियाजा मैदान पर विराट कोहली को भुगतना पड़ा। कुछ दिन पहले IPL में विराट के साथ इशारों का खेल खेला गया, तब मुकाबला बेंगलोर में था। विराट को आपा खोने पर मजबूर किया गया और वो साजिश कामयाब भी हुई, क्योंकि जब IPL का कारवां लखनऊ पहुंचा तो विराट पूरी तैयारी में थे। बदले की आग विराट के मन में ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार थी, बस एक धमाके की जरूरत थी। लखनऊ का खेमा चुप था और इस चुप्पी के प्लान को विराट समझ नहीं पाए और साजिश का शिकार हो गए। अब ये साजिश क्या है, किसने रची ये साजिश, इसका खुलासा भी होगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि गौतम गंभीर ने बेंगलोर में खेले गए मुकाबले में क्राउड को चुप कराया था। तब से अब तक कोहली की आंखों में गंभीर की फोटो छप गई और जैसे ही इकाना स्टेडियम में कोहली को मौका मिला उन्होंने बदला पूरा किया। लेकिन कोहली ये नहीं जानते थे उनके भड़काने और उकसाने की एक चाल थी और वो इस चाल में फंस गए। दरअसल कोहली को लखनऊ में शर्मसार होना पड़ा और वो भी अपनी पत्नी अनुष्का के सामने, जो स्टैंड्स में बैठी अपने पति को खुश होते देख रही थी, जीतते हुए देख रही थी, हर विकेट पर ताली बज रही थी। दरअसल 1 मई को कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा का जन्मदिन होता है और अनुष्का मैदान पर मौजूद थी। कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी को अनोखे अंदाज में सुबह विश भी किया था, जिसके बाद रात को हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। कह सकते हैं कि ये कोहली को मेंटली डिस्टर्ब करने की साजिश थी कि क्रिकेट से क्वालिटी टाइम उन्हें ना मिल सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विराट कोहली अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं। कोहली एक इमोशनल आदमी है और मैदान पर उनका इमोशन बाहर आ जाता है। कभी चिल्लाते हैं, कभी आंख दिखाते हैं, लेकिन खुद को मैदान पर एक्सप्रेस करने से रोकते नहीं हैं। अब जब 1 मई को कोहली की पत्नी का बर्थडे था तो अनुष्का ने अपने पति को चेयर करने भी पहुंची थी। कोहली भी चाहते थे कि वो जीत के साथ गिफ्ट दें, लेकिन मैच लो स्कोरिंग रहा और लखनऊ की जीत पक्की लग रही थी। लेकिन विराट कोहली तो विराट हैं, उन्होंने ना आए देखा ना बाए, एग्रेशन के साथ खेलना शुरू किया, एक एक कर लखनऊ के किले की ईंट गिरा दी और मुकाबला जीत की ओर मोड़ दिया। जब नवीन और लग बल्लेबाजी करने आए तो कहा सुनी शुरू हो गई। मैसेज दिया गया कि लखनऊ को उनके घर में हराएंगे, जैसे लखनऊ ने बेंगलोर को हराया था। गंभीर को इशारे भी करने लगे, लेकिन लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर शांत थे और कहानी के सही अंजाम तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। और जब मैच खत्म हुआ तो कहानी में क्लाइमैक्स शुरू हुआ। जेंटलमैन खेमे के नियमों के तहत मुकाबले के बाद सब हाथ मिलाने के लिए पहुंचे। तब नवीन ने कोहली के साथ बदतमीजी की, कोहली ने मामला रफा दफा किया और लखनऊ के काइल मेयर्स के से बात करने लगे। तभी वहां इस लड़ाई के मास्टरमाइंड गौतम गंभीर पहुंच गए। आप सोचेंगे कि मास्टरमाइंड क्यों, तो इसको समझना जरूरी है। कोहली जीत के बाद जश्न मना रहे थे जो चरम पर था और गंभीर कोहली के इस जश्न को फीका करना चाहते थे, क्योंकि कोहली से लड़ाई होने पर कोहली ही गलत दिखेगा, क्योंकि विराट का एग्रेशन सब जानते हैं, जिसका पूरा फायदा गंभीर ने उठाया और गाली गलौज तक हो गई। भर भर के अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या गंभीर, क्या मिश्रा, क्या दहिया, सब ने विराट के मनोबल को गिराने का सोच लिया था। तभी तो एक के बाद एक सब विराट की गलती गिनवाने लगे, विराट को नीचा दिखाने लगे। खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया, लेकिन तब साजिश अंजाम तक पहुंच गई थी। अब सवाल है कि आखिरकार गंभीर से कोहली चिढ़ते क्यों हैं? ये वही कोहली हैं जिसको गंभीर पसंद करते थे, ये वही कोहली हैं जिसके लिए अपना खिताब तक छोड़ दिया था। ये बात सच है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों टीम इंडिया के लिए साथ में खेल चुके हैं। विराट ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था तब गौतम गंभीर पहले ही खुद को टीम में स्टैब्लिश कर चुके थे। 2008 में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले विराट कोहली को पहले वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी के लिए करीब 1 साल का इंतजार करना पड़ा था। दिसंबर 2009 में विराट ने श्रीलंका के खिलाफ शतक ठोका था। इसी मैच में गौतम गंभीर ने 150 रनों की पारी खेली थी और उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में गौतम गंभीर को जब मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया तो उन्होंने अपना अवार्ड विराट को सौंप दिया था। तब ऐसा लगा था कि आने वाले समय में दोनों के बीच काफी अच्छी जुगलबंदी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विराट और गंभीर की ऑन फील्ड फाइट पहली बार IPL 2013 में देखने को मिली थी। तब विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन थे और गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे। अब दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई देखने को मिली, जब गंभीर लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मेंटोर हैं और विराट RCB के स्टार क्रिकेटर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गंभीर टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, वहीं विराट कोहली शुरू से ही धोनी की लॉबी में ही रहे हैं। विराट का कद जैसे जैसे टीम इंडिया में बढ़ा, गंभीर का कद थोड़ा सा छोटा होता चला गया। माना जाता है कि यही वजह है कि गंभीर किंग कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब इस लड़ाई के बाद BCCI ने जुर्माना भी ठोक
रोक दिया है। कोहली और गंभीर पर 100% मैच फीस यानी कोहली को 1 करोड़ जबकि गंभीर पर लगभग 25 लाख जबकि नवीन पर 50% जुर्माना ठोका गया है। इस लड़ाई से कोहली का करियर भी डूब सकता था और IPL में वो बैन भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि कोहली भविष्य में लड़ते हैं या नहीं।